सेंडिंग ईमेल फ्रॉम बिजी। इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम बिजी से ईमेल सेंड करने के बारे में जानेंगे। आप ईमेल डायरेक्ट सेंड कर सकते हैं, जैसे कि कोई ग्रीटिंग्स, अप्रिसिएशन मेल, या फिर आप पेमेंट रिमाइंडर्स, एस्टेट फॉर्म रिमाइंडर्स सेंड कर सकते हैं, या फिर आप इनवॉइस ईमेल भी कर सकते हैं। मतलब जैसे ही आपने कोई सेल्स इनवॉइस एंटर किया या पेमेंट एंटर करी या कोई पेमेंट रिसीव हुई तो उसकी ईमेल पार्टी को चली जाए। बिजी में ईमेल सेंड करने के लिए आपको पहले ईमेल कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग सेट करनी होंगी। इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्फ़िगरेशन, ईमेल कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन पर क्लिक करें। अब यहाँ सेलेक्ट करें कि आप मेल्स आपके सिस्टम पे कॉन्फ़िगर्ड आउटलुक एक्सप्रेस या माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक से सेंड करना चाहते हैं या फिर डायरेक्टली जीमेल, याहू, रेडिफ सर्वर से। इसके बाद सेलेक्ट करें कि मेल एज अ पीडीएफ अटैचमेंट सेंड करनी है या पार्ट ऑफ ईमेल बॉडी टेक्स्ट सेंड करनी है। यदि आपने सेंड डायरेक्टली ऑप्शन चूज करी है तो एसएमटीपी सर्वर में अपने जीमेल, याहू, रेडिफ सर्वर का नाम बताएं, उसकी फर्दर डिटेल्स दें जैसे कि यूज़र नेम, पासवर्ड और पोर्ट। इसके बाद आप अपना नाम और जिस मेल आईडी पर रिप्लाई आना है वह बताएंगे और ईमेल का डिफ़ॉल्ट हेडर और फुटर भी बताएंगे। सेव बटन प्रेस कीजिए कॉन्फ़िगरेशन को सेव करने के लिए। अब आप रेडी हैं बिजी से ईमेल सेंड करने के लिए। यहाँ पर हम सबसे पहले एक सेल्स वाउचर एंटर करेंगे। वाउचर की डिटेल्स डाली, अब वाउचर को सेव करेंगे। वाउचर को सेव करते ही वह आपसे प्रिंट के लिए पूछेगा। यहाँ पर आप ईमेल बटन प्रेस करके वाउचर के कॉरेस्पॉन्डिंग ईमेल सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर बिजी ऑटोमेटिकली पार्टी से ईमेल आईडी पिक कर लेगा। आप चाहें तो ईमेल आईडी वाउचर की बिलिंग डिटेल से भी पिक करा सकते हैं। इसके बाद हम एक पेमेंट रिमाइंडर सेंड करेंगे अपनी पार्टीज को। देखिए यहाँ पे हमने पार्टी का नाम सिलेक्ट किया, उनकी ईमेल आईडी ऑटोमेटिकली अकाउंट मास्टर से पिक कर ली गई। यहाँ पर एक बात बताना चाहेंगे आपको कि यदि ईमेल भेजते समय इंटरनेट कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम हो तो आपकी ईमेल लेटर ऑन सेंड करने के लिए सेफ हो जाएगी। जैसे आप देखिए यहाँ पे हम इंटरनेट कनेक्शन डिसेबल करते हैं तो ईमेल सेंड करते ही ये मैसेज आ गया कि आप यहाँ सेव एंड सेंड बटन प्रेस करके ईमेल को सेव कर सकते हैं। आप ईमेल डायरेक्टली भी सेंड कर सकते हैं, जैसे कि कोई ग्रीटिंग्स या अप्रिसिएशन। इसके लिए आप यूटिलिटीज़ में सेंड ईमेल ऑप्शन पर जाएं, अपना मैसेज टाइप करें और सेंड बटन प्रेस करें ईमेल को सेंड करने के लिए। अभी इंटरनेट कनेक्शन डिसेबल था तो अगेन वही मैसेज आया। आपकी ये सारी ईमेल्स जो सेव हो रही हैं ये ऑफलाइन मोड में जा रही हैं। अब ऑफलाइन मोड में पड़ी हुई ईमेल्स को सेंड करने के लिए यूटिलिटीज़ में सेंड ऑफलाइन ईमेल एसएमएस ऑप्शन सेलेक्ट करें। जब आपका इंटरनेट कनेक्शन एनेबल हो जाए तो यहाँ से आप ईमेल सेंड कर सकते हैं। यहाँ पे आप ईमेल्स को सिलेक्ट करिए और सेंड बटन पे क्लिक करिए ईमेल्स को सेंड करने के लिए। इसके अलावा यदि आप चाहें तो कुछ यूज़र्स के लिए जिनकी मशीन पे इंटरनेट कनेक्शन नहीं होता है या फिर आप खुद पहले उनकी ईमेल्स अप्रूव करना चाहते हैं, उनके लिए यूज़र प्रोफाइल में ऑलवेज सेंड ईमेल एसएमएस इन ऑफलाइन मोड ऑप्शन को एनेबल कर सकते हैं। इससे जब भी ये यूज़र मेल सेंड करेंगे तो वह पहले ऑफलाइन मोड में जाएगी और जब इंटरनेट कनेक्शन होगा या आप उन ईमेल्स को अप्रूव कर देंगे तो सेंड ऑफलाइन ईमेल एसएमएस यूटिलिटी के थ्रू उन मेल्स को सेंड किया जा सकता है। होप इस प्रेजेंटेशन से आपको बिजी के थ्रू ईमेल सेंड करने का प्रोसेस समझ आ गया होगा। देखने के लिए धन्यवाद और वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें।